हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिवांशु सक्सेना। वेलकम टू द चैनल फार्मा दादा। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन एक एंटी मलेरियल ड्रग है। क्या है? एंटी मलेरियल ड्रग है जो कि मलेरिया में यूज करी जाती है। ठीक है, तो इसका हम सिंथेसिस पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्लोरोफेनिकॉल का पढ़ा था सिंथेसिस। आज के लेक्चर में क्लोरोक्वीन के बारे में पढ़ेंगे। ये सिंथेसिस तीन स्टेप में है। पहला स्टेप है क्यूनोलिन रिंग को बनाना, यानी कि सिंथेसिस ऑफ क्यूनोलिन रिंग। जब तक आप क्यूनोलिन रिंग नहीं जानेंगे तब तक आप ये नहीं बना पाएंगे। क्यूनोलिन रिंग क्या होती है? एक बेंजीन होता है और ऊपर में उसके ऐसे, इसको बोलते हैं क्यूनोलिन रिंग। ठीक है, तो क्यूनोलिन रिंग यहाँ पे जो है वो बेसिकली हम क्या बनाने जा रहे हैं, वो बनाने जा रहे हैं हम 4-7 डाइक्लोरो क्यूनोलिन। ठीक है, DCQ इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। ठीक है, 4-7 डाइक्लोरो क्यूनोलिन हम यहाँ पे इसको बना रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको रिएजेंट याद रखने होंगे। रिएजेंट हमारे पास में क्या क्या है? रिएजेंट हमारे पास है मेटा क्लोरो और आपका मेटाक्लोरो यहाँ पे एनिलीन। ठीक है, मेटाक्लोरो एनिलीन, यहाँ पे आपने एनिलीन में NH2 होता है, यहाँ पे आपने क्लोरो लगा दिया। इसके साथ रिएक्शन होता है किसका? इथाइल ऑक्सेलो एसीटेट। ठीक है, इथाइल ऑक्सेलो एसीटेट का यहाँ पे होता है इसका रिएक्शन C2H5O, यहाँ पे आपका आ जाएगा C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O O C2H5। ये हमारा स्ट्रक्चर है इथाइल ऑक्सेलो एसीटेट का। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि NH2 जो है, NH2 का जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन को लेके बाहर निकल आएगा -H2O। ठीक है, सेम सिंथेसिस यहाँ बन जाएगी। बेंजीन क्लोरो यहाँ पे N के साथ में, अब ये डबल बॉन्ड के साथ में कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। कार्बन सेम, हमने यहाँ पे चीजें उतार दी। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये वाला हाइड्रोजन जो है आपका, ये कार्बन के साथ में जो CH2 ऊपर है, इधर ये जो कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है और ये OC2H5 जो है, ये H जो है इनके साथ, ये तो C2H5 है, इसके साथ मिल करके C2H5 यहाँ से C2H5OH यहाँ से ये निकल जाएगा और इसका साथ ही साथ साइक्लाइजेशन हो जाएगा। साइक्लाइजेशन मतलब इसके साथ में ये एक साइकिल वाली ग्रुप बन जाएगी। यहाँ से ये C डायरेक्ट यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास में क्या बन जाना चाहिए? यहाँ बेंजीन क्लोरीन, ऊपर OH आ जाएगा, नीचे नाइट्रोजन, अल्टरनेट बॉन्ड्स पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारा सेम ये वाला ग्रुप COOC2H5। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमको क्या कराना है? इसके साथ में हाइड्रोलिसिस कराना है। किसके साथ? हाइड्रोलिसिस H2O और HCl। यहाँ पे आप NaOH भी ले सकते हो, H2O ले लिया मैंने। यहाँ पे जो H+ और OH- है, यहाँ पे आपका क्या होगा कि C2H5 के साथ में OH बाहर आ जाएगा और COO के साथ में H+ यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक, तो C2H5 हमको नहीं चाहिए तो हमने यहाँ से इसको बाहर कर दिया। ये HCl यहाँ पे आ गया, OH हो गया, N डबल बॉन्ड और COOH। ठीक है, इसके बाद हम इसका डीकार्बोक्सिलेशन करा देंगे, यानी कि CO2 का माइनस करा देंगे, तो ये जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है ये यहां से निकल जाएगा, ये हमारा यहां से निकल जाएगा। ठीक, कुछ नहीं बचेगा यहां पे, N की पोजीशन यहां, ऑक्सीजन और ये क्लोरीन। इसके साथ हम यहां पे इसका रिएक्शन कराएंगे POCl3 के साथ में। क्या होती है ये? 12th में रिकॉल करिए, 12th में हमने बहुत सारे इसके रिएक्शन करे थे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, POCl3 के साथ में रिएक्शन करते हैं। इसका नाम क्या है? फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ में इसका रिएक्शन कराएंगे। तो इससे मेनली सब्स्टिट्यूशन है कि ये OH को क्लोरीन में चेंज कर देगा, क्लोरीन। ठीक है, ये आपका बन गया क्या? DCQ 4-7 डाइक्लोरो क्यूनोलिन, ये हमारा बन गया 4-7 डाइक्लोरो क्यूनोलिन। ठीक है, इसको याद रखेंगे, फिर नेक्स्ट हम इसकी बनाएंगे साइड चेन। क्या बनाएंगे? साइड चेन। 4-7 डाइक्लोरो क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर याद रखेंगे यहाँ पे हम लोग। क्या है यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर?
ठीक है यहाँ पे ये आपका DCQ का स्ट्रक्चर है। अब हम इसका बनाएंगे साइड चेन, सिंथेसिस ऑफ साइड चेन। साइड चेन का नाम है फोर अमीनो वन डायथाइल अमीनो पेंटेन। ठीक है, इसके साथ में ये वाली जो चेन है यहाँ पे ऊपर लगेगी, तो इसको हम साइड चेन की सिंथेसिस अलग करेंगे। इसके लिए हमको हमारे पास में क्या क्या चाहिए होना चाहिए, यहाँ में हमारे पास चाहिए फाइव क्लोरो पेंटेन टू ऑल और डायथाइल अमीन हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, फाइव क्लोरो पेंटेनोन कैसे बनेगा, पेंटेनोन पहले बना लेते हैं, पेंटेन टू ओन बना लेते हैं। तो CH3C सेकेंड पोजिशन पे ओन की ग्रुप लग गया, कीटोन ग्रुप CH2 और 1 2 3 4 5 और यहाँ पे CL। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, 5 क्लोरो पेंटेनोन। डाइथाइल अमीन कैसे बनेगा, C2H5। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखें, यहाँ पे HCl निकल रहा है, यहाँ से HCl निकल गया, अब क्या बचा, ये इसमें जुड़ जाएगा, क्या बन गया यहाँ पे CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH2 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 N C2H5 और C2H5। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन से क्या होगा, ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ये ऑक्सीजन जो आपका कीटोन ग्रुप है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में। ठीक, रिडक्शन करा देंगे इसका, रिडक्शन करा देंगे, तो CH3COH क्योंकि डबल बॉन्ड है तो एक वैलेंसी और फुलफिल करनी है, तो एच के साथ में आपने फुलफिल कर दी यहाँ पे CH2 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 N C2H5 और C2H5। ठीक, अब इसके साथ में क्या करेंगे, अब इसके दो रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे किसके साथ में, SOBr2 और फिर NH3 के साथ, पहला दूसरा। ठीक है, SOBr2 के साथ इसमें क्या होगा कि OH की जगह पे पहले Br आएगा, ब्रोमीन आएगा, ब्रोमीन के बाद में फिर ये NH2 यहाँ पे ग्रुप लग जाएगा। डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, Br2 पहले OH की जगह, फिर OH की जगह पे NH2। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ CH3 CH NH2 CH2 CH2 N C2H5 C2H5। तो ये आपका बन गया फोर अमीनो वन डायथाइल अमीनो पेंटेन। ठीक है, ये आपका बन गया साइड चेन इसकी। ठीक, अब इसी के साथ इसका हम कंडेंसेशन रिएक्शन करा देंगे, थर्ड स्टेप जो है हमारा उसके साथ हम इसकी रिएक्शन करा देंगे। क्या क्या है हमारे पास, DCQ क्या, डाइक्लोरो 4-7 डाइक्लोरो क्विनोलिन, क्या क्या है, 4-7 डाइक्लोरो क्विनोलिन थर्ड स्टेप है हमारा। ये यहाँ पे Cl प्लस हमारे पास में क्या था, CH3 CH NH2 CH2 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 N C2H5 और C2H5। ठीक है, इसका हमें कंडेंसेशन रिएक्शन कराना है। कंडेंसेशन रिएक्शन कैसे होगा, यहाँ पे ये HCl का यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसमें NH2 को थोड़ा सा ऐसे लिख दूं तो, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि HCl यहाँ से ये निकल जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास में क्या बन जाएगा, क्लोरोक्विन हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पे अब ध्यान से देखना कि यहाँ पे डायरेक्ट आपका अब जो है N जुड़ जाएगा, N के साथ ही साथ NH है यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ CH है, यहाँ पे CH3 है, CH के साथ CH2 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 N C2H5 और C2H5। तो ये आपका क्या बन गया, क्लोरोक्विन। तो ये थी हमारी सिंथेसिस ऑफ क्लोरोक्विन। नोट्स में आपको इसका अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप आसानी से देख सकते हैं उसमें, और समझाने की बात रही तो मैंने यहाँ पर आसानी से समझा दिया। आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप टेलीग्राम पर विजिट कर सकते हैं, फेसबुक पर विजिट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर विजिट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत सारा कंटेंट डाल रहे हैं, वन लाइनर्स डाल रहे हैं, MCQ डाल रहे हैं, शॉर्ट्स डाल रहे हैं, तो प्लीज़ उसको देखिए एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।